हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोरूट क्लासेस। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनिमल किंगडम। तो अगर हम आरएच विटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि एनिमल किंगडम में उन्होंने कौन कौन सी चीजें रखी थी, पहले मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें उन्होंने रखी थी। देखिए, उनके अकॉर्डिंग अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो दे आर यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक ये होते हैं। दूसरा, दे आर मल्टी सेलुलर, ये हम बात करते हैं कि मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑल द एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। अगर हम पॉलीफेरा की भी बात करते हैं तो पॉलीफेरा में भी हम ये कहते हैं कि हैविंग मोर सेल्स, भले वो पास में आके उन्होंने टिश्यू नहीं बना रखा है बट सेल्स उनमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये दो चीजें इनमें होंगी। यूकैरियोट मींस उसके पास अच्छा खासा डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। फिर उसके बाद कि क्या ये लोकोमोशन शो करते हैं, तो शोज लोकोमोशन, यानी Not sedentary, ठीक है, not sedentary, not sedentary means क्या है कि ये ससाइल नहीं है, ये एक जगह में नहीं रहते, ये चल सकते हैं। बट यहां एक्सेप्शन की मैं बात जरूर बताऊंगी आपको, एक्सेप्ट पॉरीफेरा, पॉरीफेरा को छोड़ के एंड सीलेंट्रेटा। पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा ऐसे होते हैं जो चल नहीं सकते। सीलेंट्रेटा में हम दो फॉर्म्स की बात करते हैं, पॉल्प और मेडुसा, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले आप ये समझिए कि सिर्फ ये सीडेंट्री वाले होते हैं, ठीक है, यानी लोकोमोशन सारे के सारे शो करेंगे, सिर्फ पॉलीफेरा और सीलेंट्रेटा लोकोमोशन शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नो प्लास्टिड, इनके पास प्लास्टिड नहीं है, ठीक है, नो सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है, बट इफ प्रेजेंट, बट इफ प्रेजेंट तो कैसा होगा, अगर एनिमल में कभी वैक्यूल प्रेजेंट होता है तो प्रेजेंट तो वो कैसा होगा, स्मॉल एंड टेम्पररी, नॉट परमानेंट। एग्जाम्पल अमीबा की बात करते हैं, पैरामीशियम की बात करते हैं, यानी प्रोटोजोअन्स जो है वो सबसे पहले आते हैं एनिमल किंगडम में। तो हम अमीबा की बात करते हैं, हम पैरामीशियम की बात करते हैं, तो यहां हम क्या बोल रहे हैं, इनके पास वैक्यूल होता है फूड वैक्यूल। कब बना, जब फूड अंदर आया, बना, फिर डाइजेशन हुआ, उसके बाद फिर कौन सा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होंगे। तो ऐसे वैक्यूल बने, उन्होंने अपना काम किया और वो खत्म हो गए, यानी दे आर टेम्पररी नॉट परमानेंट। फिर ये हमें पता है कि दे आर हेटरोट्रॉपिक इन नेचर बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, सो ड्यू टू दिस रीजन दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, सो दे ऑल आर हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यही कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, तो एक हम ये बोलते हैं कि दे शोज सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस। डेवलपमेंटल स्टेजेस के सीक्वेंस का मतलब होता है कि वो पहले इन्फेंसी स्टेज, देन चाइल्डहुड स्टेज, देन प्यूबर्टी और मैच्योरेशन स्टेज, और फिर उसके बाद एजिंग यानी सेनेसेंस स्टेज, और फिर डेथ होती है। तो इस तरीके से ये सीरीज ऑफ या सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस दिखाते हैं, तो ये भी इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्लांट में मैंने आपको बताया भी था कि उसमें ये चीजों का पता करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, एनिमल के केस में क्लियर होता है, ठीक है। और फिर इसी के साथ साथ अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बोथ ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू गैमेट्स। और ये मैं आपको बता दूं कि जितना हायर ऑर्गेनिज्म होंगे, हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा, लोअर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे एनिमल किंगडम के, किन के अकॉर्डिंग, आर एच विटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। बट इसके बाद हम बात करते हैं कि एरिस्टोटल थे, तो एरिस्टोटल ने क्या किया था, इन्होंने कुछ चीजें बताई, वो क्या क्या चीजें थी। तो इन्होंने बताया था, मीन्स एरिस्टोटल को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। तो एरिस्टोटल ने, उसके बाद मैं आपके पास जो सेकंड चैप्टर में भी आपके पास है, ठीक है, कि एरिस्टोटल ने किस तरीके से क्लासिफाई किया था, ठीक है। और वैसे ही यहां भी आपने ये चीज पढ़नी है कि एरिस्टोटल किस तरीके से काम करेंगे। तो देखिए, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, पहले तो क्या हो गई, फादर ऑफ बायोलॉजी, देन फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी के फादर थे ना ये, क्या मैंने आपको बताया कि कहानी इसके पीछे, थियोफ्रेस्टस थे जो इनके स्टूडेंट थे, उनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो इनकी एक बुक थी जो इन्होंने किस पे लिखी थी, पूरे एनिमल्स के ऊपर लिखी थी, उसको बोला जाता है हिस्टोरिया एनिमेलम, ठीक है। तो बुक भी मैं आपको बता देती हूँ, बुक जो इन्होंने लिखी, हिस्टोरिया
एनिमेलम, ठीक है, ये बुक थी इनकी, ये इन्होंने लिखी थी एनिमल्स के ऊपर। इनका जो एनिमल्स थे, एनिमल्स को कैटेगराइज करने का जो बेसिस था वो ये था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें था हैविंग आरबीसीज और विदाउट आरबीसीज, कि वो एनिमल्स जिनके पास आरबीसीज होती है और वो एनिमल्स जिनके पास आरबीसी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनेमिया, ठीक है। एनेमिया मींस नो आरबीसीज, हैविंग नो आरबीसीज, वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल्स जिनके पास हैविंग नो आरबीसीज, जिनके पास आरबीसीज नहीं होती। इफ दे डू नॉट हैव आरबीसीज देन देयर ब्लड इज नॉट रेड इन कलर, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल में हम किन किन को लेते हैं, स्पॉन्जेस यानी पॉरीफेरा, सबसे पहले स्पॉन्जेस, देन सीलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, मोलेस्का, ठीक है। मोलेस्का में क्या होते हैं, जैसे सीपी बोलते हैं ना आप, सीपी होती है जैसे मोती निकलता है, तो वो चीजें इसके अंदर आती है मोलेस्का के अंदर। तो मोलेस्का हो गया, इवन ऑर्थोपोडा हो गया, इकानोडर्मेटा हो गया, सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। ऑर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप याद रखेंगे कि कौन कौन इनके अंदर आते हैं। स्पॉन्जेस में पॉरीफेरा आते हैं, फिर सीलेंट्रेटा हो गया जैसे हाइड्रा हो गया, ओबेलिया, ओरेलिया, ठीक है। देन ये हो गया मोलेस्का हो गया, जिसमें क्रस्टेशियंस भी आ जाते हैं, और एप्पल स्टेन, पाइला, यूनियो, ठीक है, ये सब आते हैं। ऑर्थोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, मोलेस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। तो ऑर्थोपोडा के अंदर सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। देन इकानोडर्मेटा, जहां पे ट्रू फिशेस नहीं होती हैं, तो दे बेसिकली इंक्लूड फिशेस बट नॉट ट्रू फिशेस, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, हमने एनेमिया की बात की थी, फिर दूसरा बात करते हैं एमिया, ठीक है। तो यहां हम इसी के लिए, यहां जहां ए लग गया, देखिए दो याद रखिएगा, एक में जहां ए लगा है वहां तो आरबीसीज नहीं होंगी, जहां ई लगा है हैविंग आरबीसीज, ठीक है, इनके पास आरबीसीज होती हैं। अब आरबीसीज होती हैं तो इसके बेसिस पे यहां दो कैटेगरी हैं, या तो वो विविपैरी हो सकते हैं, विविपैरी, या वो ओविपैरी हो सकते हैं। तो विविपैरी और ओविपैरी शायद आपको पता होगा ही, तो गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, एंड ओविपैरी यानी ओविपैरस विच गिव या विच लेस एग, और तब एग से बेबी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, यानी ये सिर्फ किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो दोज एनिमल्स हैविंग आरबीसीज, वो एनिमल्स जिनके पास आरबीसीज होती हैं। तो अगर मैं इसी में ही अगर हम बात करते हैं, तो एग्जांपल अगर हम इसका लेते हैं, तो मैन आप ले सकते हैं एग्जांपल, दूसरा आप क्या ले सकते हैं, बर्ड्स हो गए, बर्ड्स इसका एग्जांपल हो सकते हैं, या व्हेल हो गई, वो इसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो या आप ये भी कह सकते हैं कि मोस्टली जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स आर इंक्लूडेड अंडर एनेमिया, ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं, बाकी जो भी विविपैरी ओविपैरी में, मतलब ये चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये किसका क्लासिफिकेशन था, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल का जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था वो आरबीसी के बेसिस पे ही दिया था, और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनको एरिस्टोटल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एंशियंट एनिमल क्लासिफिकेशन। तो यानी इसके बेसिस पे हमें क्या चीज पता चली, कि ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एंशियंट एनिमल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला एनिमल क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, ठीक है। कोरुलस लीनियस ने भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई थी, जिसमें उन्होंने क्या किया, मतलब एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी उन्होंने बताए, ठीक है। तो वो उन्होंने मतलब कुछ बिगेस्ट क्लासिफिकेशन, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लासिफिकेशन उनका भी है, ठीक है। बट आर एच विटेकर की भी हमने बात कर ली, और उसके बाद एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या किया था, इस तरीके से चीजों को बताने की कोशिश की थी। अब उसके बाद नेक्स्ट, मतलब इनके बाद और कौन कौन सी चीजें थी, तो यहां हम बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है आपके पास, अगर हम बात करें, दूसरे एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या किया था, जो एनिमल किंगडम में आप जो पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, जिनका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, उनका नाम एनसीईआरटी ने कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो दो थे, एक थे स्टोरर एंड सेंगर, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, पूरा जितना भी एनिमल किंगडम था उसको क्लासिफाई किया, 31 फाइलम में इन्होंने इसको क्लासिफाई किया, बट उसमें से ये देखा गया कि कौन से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनमें से कितने थे, 11 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थे,
और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और बाकी 21 जो थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई एनिमल्स इनटू 31 फाइलम आउट ऑफ विच 10 आर इंपॉर्टेंट। अब वो जो 10 इंपॉर्टेंट हैं जो एनसीईआरटी बताती है वो हैं, तो एनसीईआरटी यानी स्टोरर और सिंगर का क्लासिफिकेशन को बता रही होंगी। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करेंगे, बट एनसीईआरटी ने इसमें सबसे पहली चीज नहीं बताई विच इज प्रोटोजोआ। ठीक है, सबसे पहले प्रोटोजोआ, देन या प्रोटोजोअंस आप कह सकते हैं प्रोटोजोआ, द सेकंड इज पॉलीफेरा, देन सीलेंट्रेटा, देन टीनोफोरा, टीनोफोरा, देन प्लेटी हेलमेंथीस, देन नीमेटोडा या एस्केलेमेंथीस। ठीक है, एस्केलेमेंथीस, देन एनेलिडा, देन ऑर्थ्रोपोडा, देन मोलेस्का, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, ऑर्थ्रोपोडा इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम। मैंने आपको ये पहले भी बताया था पहले के चैप्टर्स में कि अगर हम किसी भी एरिया में 10 एनिमल्स की बात करते हैं तो उन 10 एनिमल्स में से हमको 7 तो इंसेक्ट ही मिलेंगे, यानी ऑर्थ्रोपोडा वाली कैटेगरी के मेंबर्स हमको उसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, एक आइनोडर्मेटा, देन हेमिकॉर्डेटा एंड द लास्ट वन इज कॉर्डेटा। अब इसको याद करने का सीक्वेंस मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपने इसको याद करना है। वैसे जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, अब आपने 10th 11th में भी पढ़ा होगा, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे जो 11th वाले बच्चे होंगे, तो मैं आप लोगों के याद करने के लिए एक ट्रिक इसमें बताती हूँ कि आपको किस तरीके से इसको याद करना है। देखिए, इसकी सीक्वेंस याद नहीं रह पाती तो इसीलिए, तो यहां हम क्या बात करते हैं, देखिए मैंने इसमें किस चीज को ज्यादा जोड़ दिया, मैंने यहाँ पे प्रोटोजोआ को ज्यादा जोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ मतलब यहाँ आप बोलोगे मैम ने लिखा है 10 इंपॉर्टेंट है फिर और क्यों जोड़ दिया, प्रोटोजोआ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट उसको फिर भी जोड़ा है, तो ठीक है हम उसको कर लेते हैं कि ठीक है उसको जोड़ा हुआ है। टीनोफोरा को भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता, किसी किसी बुक में आपको इसका क्लासिफिकेशन अलग से मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात करते हैं, देखिए आपको किस तरीके से करना है। पहले तो प्रोटोजोआन आपको ऐसे याद रखना है कि प्रोटोजोआन है, सेकंड पॉलीफेरा को आप ऐसे कर सकते हैं प्रियंका सीलेंट्रेटा से चोपड़ा, ठीक है प्रियंका चोपड़ा, चली कैनेडा। ठीक है, फिर टीनो सी साइलेंट होता है यहां पे तो टीनो यूज किया जाता है, तो 10 टीनो से 10, पी से पायलट, आस्ड अबाउट, फिर ए, ठीक है किस चीज के बारे में, एम से मूवी, ई से इंग्लिश, एच से हर, और मींस इन दोनों का मिला के मैं बता रही हूं आपको, हर क्यूलिस। ठीक है, तो यानी यहां हम आप किस तरीके से याद कर सकते हैं, प्रोटोजोआन को छोड़िए आप ये कर सकते हैं प्रियंका चोपड़ा चली कनाडा, 10 पायलट आस्ट अबाउट ए मूवी इंग्लिश हरक्यूलिस। ठीक है, यानी कैसे, देखिए पॉलीफेरा यानी प्रियंका, सीलेंट्रेटा जिसको सिनिडेरिया भी कहा जाता है, सिनिडेरियंस यानी चोपड़ा, और फिर इसी में चली कनाडा एक साथ। ठीक है, फिर ये टीनोफोरा करेंगे तो 10 प्लेटी हेलमेंथीस पायलट, ए से आज, फिर एनेलिडा अबाउट, ऑर्थोपोडा ए। तो बस आपको यहां पे क्या याद रखना है कि ए ए ए है, तो कैसे आप इसको याद रखेंगे कि ए ए ए है, आपको ऐसे याद रखना है प्लेटी हेलमेंथीस जो था उसके बाद दूसरा हेलमेंथीस है, प्लेटी हेलमेंथीस होते हैं टेप वॉर्म फ्लैट वॉर्म। ठीक है, और एस्केलेमेंथीस क्या होते हैं, राउंड वॉर्म, इस तरीके से हुक जैसा होता है राउंड वॉर्म। ठीक है, तो प्लेटी हेलमेंथीस एस्केलेमेंथीस मेंथीस मेंथीस कैलेमेंथीस।
ठीक है, दोनों एक साथ अगर, देन एनिलीड और ऑर्थोपोडा, तो ये याद रखिएगा कि एन पहले आता है, डिक्शनरी याद रखिएगा, ठीक है, कि पहले ए एन वाला वर्ड पहले आएगा, तो पहले एनिलीडा और उसके बाद ऑर्थोपोडा, यानी इसके बाद ये होगा मोलेस्का, मोलेस्का से मूवी हो गया, इकाइनोडर्मेटा से हो गया इंग्लिश, और हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा को मिला के हरक्यूलिस, ठीक है, कि यहां हो गया एच एच सी क्यूलिस, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको ढंग से क्लियर हो जाएगा, आपको सीक्वेंस याद रहेगी, क्योंकि इसके लिए आपको सीक्वेंस याद करनी बहुत जरूरी है, सीक्वेंस के बेसिस पे ही हम चैप्टर में बहुत सारी चीजों को याद रख लेंगे, पहले से ही याद रख लेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ये सीक्वेंस बता दी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक या कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं जो हम सब में कॉमन होते हैं, वो क्या क्या है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं, और जो इलेवंथ वाले बच्चे या नीट वाले बच्चे हैं, प्लीज इन सीक्वेंस को पहले आप याद कीजिएगा ढंग से, उसके बाद आपको चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। तो क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा किसके बाद कौन है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी अगर किसी भी चीज में बढ़ रही है, मान लीजिए वो सिलोम में बढ़ रही है, वो मेटामेरिज्म में बढ़ रही है, वो सिफाइलेशन में बढ़ रही है, सिफाइलेशन में, तो किस तरीके से बढ़ रही है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ कॉमन फीचर्स जो होते हैं, फंडामेंटल या कॉमन फीचर्स, फंडामेंटल कॉमन फीचर्स कर सकते हैं आप, या फंडामेंटल फीचर्स कॉमन इन अस, हम लोगों में, या इन ऑर्गेनिज्म आप कर सकते हैं, कि जो वो क्या क्या है जो सब में लगभग लगभग सिमिलर देखने को मिलते हैं, तो वो क्या क्या चीजें होंगी। टू वेरियस इंडिविजुअल्स आर, जो एनसीईआरटी आपको बताती है, लेकिन एनसीईआरटी आपको सब चीजें नहीं बताती, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं जो एनसीईआरटी बताती नहीं है बट आते हैं, ठीक है, तो वो चीजें भी हम करेंगे साथ साथ में, मैं आपको बता दूंगी कि क्या एनसीईआरटी में है क्या नहीं है। तो इंडिविजुअल्स आर कौन कौन सी चीजें हैं जो अब आप पॉलीफेरा के अंदर पढ़ते हैं, सीलेंट्रेटा के अंदर पढ़ते हैं, या टीनोफोरा के अंदर पढ़ते हैं, प्लैटीहेलमिंथीज के अंदर पढ़ते हैं, सबके अंदर आप कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहीं पे कि रिलेशन इनका कैसा होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स का क्या रिलेशन है, या आप ये बोल सकते हो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रखे हैं। तो इसमें मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, क्या वो सेलुलर है, क्या वो टिश्यू वाला लेवल है, क्या वो ऑर्गन वाला लेवल है, या क्या उनकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, मतलब इस तरीके से लेवल की मैं बात कर रही थी, ठीक है, कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पाया जाएगा। इसके अलावा दूसरा हम बात करते हैं बॉडी की सिमेट्री, तो बॉडी की सिमेट्री कैसी होगी, कि यहां भी हम बात करते हैं एसिमेट्रिकल, जहां कोई सिमेट्री नहीं है। दूसरा बायलेटरल सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री, ठीक है, तो सिमेट्री में भी हम इस तरीके से बात करेंगे, एक बाय रेडियल भी होती है बट वो है नहीं आपके पास, तो उसको रहने देते हैं, ठीक है। तो बॉडी की सिमेट्री किस तरीके से होगी। दूसरा है नेचर ऑफ सिलोम, नेचर ऑफ सिलोम, प्लीज अगर मेरी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो तो प्लीज उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। देखिए, तो नेचर ऑफ सिलोम में हम क्या बोलेंगे कि सिलोम का यहाँ पे नेचर कैसा होता है। देखिए, सिलोम क्या है, पहले इट इज अ बॉडी कैविटी वेयर ऑल द ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, ठीक है। तो हमारी बॉडी की वो कैविटी, वो एक गड्ढा आप कह सकते हैं, या वो एक जगह आप कह सकते हैं, खाली जगह जहां पे ऑल द ऑर्गन्स आर लोकेटेड, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक सिंपल से टर्म में, वैसे मैं आपको अभी ढंग से बताऊंगी, थोड़ा सा वैसे समझिए, सिलोम क्या है, मेरी बॉडी में जो बाहर कि स्किन है या जो एक्टोडर्म है उसके, और जो मेरे पेट जो है, ठीक है, कि जो गट है या जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये दोनों आपस में चिपकी हुई नहीं है, ठीक है, ये समझिए। ये हो गई मेरी आउटर स्किन, ये हो गया मेरा एलिमेंट्री कैनाल, इन दोनों के बीच में ये इस तरीके से है आउटर स्किन, ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल जहां पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये दोनों के बीच में आपस में एक गैप प्रेजेंट है विच इज नोन एज बॉडी कैविटी या सीलोम। तो वी ऑल आर सीलोमेट, हम सबकी बॉडी में सीलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उस सीलोम में सीलोमिक फ्लूड प्रेजेंट होता है,
मान लीजिए कि अगर मुझे या आपको किसी ने जोर से मुक्का मारा, ठीक है, आपको थोड़ा दर्द हुआ, बट आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें ये नहीं हुआ कि आपका पेट फट गया या आपका जो इंटेस्टाइन है वो खराब हो गया। क्यों? क्योंकि क्या है, जो सिलोमिक फ्लूड है उस सिलोमिक फ्लूड ने शॉक एब्जॉर्बर का काम करना है, ठीक है, और इस सिलोम में बहुत सारे अदर ऑर्गन्स भी लाए करते हैं, ठीक है। तो इसको हम अभी ढंग से करेंगे, बस आपको इतना पता होना चाहिए था कि नेचर ऑफ सिलोम क्या है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या वो ए सिलोमेट है या वो सिलोमेट है। ए सिलोमेट मीन्स जिनके पास सिलोम नहीं होता, और सिलोमेट मीन्स जिनके पास सिलोम होता है, ठीक है। तो सिलोम के बेसिस में इतने तरीके से हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो पैटर्न ऑफ डाइजेशन क्या है, ठीक है, पैटर्न ऑफ डाइजेशन, इसमें भी फिर बात करते हैं, यानी इनकम्प्लीट या कंप्लीट, क्या डाइजेशन इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है। और इसमें मैं आपको दो चीजें और बताऊंगी कि कंप्लीट भी है या कंप्लीट डाइजेशन जो है उसमें माउथ पहले बना है या एनस पहले बना है, इस टर्म को क्या बोलेंगे, कौन सी चीज पहले बनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी जो एनसीईआरटी आपको नहीं बताती, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में हम बात करते हैं ओपन एंड क्लोज्ड टाइप, ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बेसिस पे हम कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पे कर सकते हैं, एक्सक्रीशन के बेसिस पे कर सकते हैं। तो बहुत सारे अदर टाइप्स हैं, बट मैं एनसीईआरटी जो जो बता रही मैं वो आपको बता रही हूँ। एंड द लास्ट वन इज रिप्रोडक्शन, वेदर ए सेक्सुअल, जो लोअर एनिमल्स दिखाते हैं जैसे पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा लोअर वाले जो है, एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें हमने ये चीजें करनी है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब उसके बाद बात करते हैं, यही इन चीजों को ही एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टिश्यू लेवल की, हमने बात की थी, या ऑर्गन लेवल, ठीक है। तो इसमें टर्म दिए गए अलग अलग, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कैटेगरी है, ठीक है। तो कैटेगरी में हम क्या बोलते हैं, द फर्स्ट इज प्रोटो, ठीक है, जहां हम प्रोटो वर्ड यूज करते हैं। तो यहां हम क्या कहेंगे कि प्रोटो वाले में कौन सी चीजें आएंगी, इसमें आती हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, कि प्रोटोजोआ, कि प्रोटोजोआ इसके अंदर आएगा। तो यहां हम क्या बात कर सकते हैं, प्रोटोजोअंस, द सेकेंड इज मेटाजोअंस। अब मेटाजोअन जो है, यहां ध्यान दीजिए, इसमें हम बात करेंगे प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, यानी यह प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ही होगा, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं, प्रोटोजोआ, ठीक है, इसमें सिर्फ प्रोटोजोआ। मेटाजोअन में बात करते हैं, तो पहले तो मेटाजोअन में मैं यहां बता देती हूं आपको, सेलुलर लेवल हो सकता है, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, मैं ऑर्गन सिस्टम भी लिख रही हूं, आप खुद कर लीजिएगा, ये हो गया। अब इसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवीजन के बेसिस तो हैं ज्यादा, बट इनमें से ऐसा हुआ कि कुछ खत्म हो गए, एक एंशियंट हो गया। तो अगर हम इसी में ही बात करते हैं कि सबसे पहला जो होगा मीजोजोअन, मीजोजोअन है बेचारा, एक्सटेंट हो चुका है, इसकी अब हमको कोई नहीं मिलता, ठीक है, इस मेंबर का हमको अब कोई नहीं मिलता। दूसरा हम बात करते हैं पैराजोअन्स, तो पैराजोअन्स में हम किनको लेते हैं, एक पैराजोअन्स और एक यू मेटाजोअन्स। तो पैराजोअन्स में सिर्फ और सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सिर्फ सेल्स ही सेल्स से मिलके किसकी बॉडी बनी है। अब देखो एनसीईआरटी ये कुछ नहीं बताता, एनसीईआरटी जो चीज बता रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल कि किसमें कौन सा लेवल पाया जाता है, ठीक है। तो जो इलेवंथ वाले बच्चे हैं, अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो पॉलीफेरा है उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, फिर यू मेटाजोअन्स, तो ये भी आपको नहीं याद रखना है वैसे, तो इसमें बाकी सब आ जाते हैं। इसमें आ जाता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तीनों की तीनों चीजें आ जाएंगी। तो यहां अब मैं एग्जाम्पल क्या लिखूं, अब इतने सारे हैं तो इतने एग्जाम्पल तो नहीं मैं लिख रही हूं, आप बस इतना याद रखिएगा सिलेंट्रेटा से लेके पूरे कितना, सिलेंट्रेटा टू कॉर्डेटा, ठीक है, लास्ट तक जितने हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि अब एनसीईआरटी की बात समझिए, ठीक है, इसको मैं
एक्सप्लेन कर रही हूँ अब जो एनसीईआरटी बताती है. पॉलीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनसीईआरटी इसको बताती है, ठीक है, सिर्फ इसको, बाकी कुछ नहीं बता रही है वो. नेक्स्ट सीलेंट रेटा, तो सीलेंट रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सीलेंट रेटा, ठीक है. द थर्ड इज ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम में हम क्या बात करते हैं, ऑर्गन लेवल, सॉरी सिस्टम नहीं ऑर्गन लेवल, यानी प्लैटी हेलमेंथीस. देख रहे हैं आप, स्टार्टिंग में पॉलीफेरा था लोअर, उसके बाद ये वाला हो गया, वो टिश्यू बना दिया उसने, ठीक है, इसने फिर क्या किया ऑर्गन बना दिया. और ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम में हम प्लैटी हेलमेंथीस के बाद जितने भी हैं सबको हम किसके अंदर रख लेंगे, ऑर्गन सिस्टम के अंदर रख लेंगे, यानी यहाँ एनिलिडा से मोस्टली स्टार्ट होता है. देखिए प्लैटी हेलमेंथीस, अब आप सोचोगे एस्केलेमेंथीस किस में आएगा, वो भी इसके अंदर आता है, ठीक है. प्लैटी एंड एंड करना आप, एस्केलेमेंथीस आप लिख लीजिएगा, एस्केलेमेंथीस भी ऑर्गन के अंदर आता है. तो क्यों आता है यह भी आपको बताऊंगी, ऑर्गन सिस्टम के अंदर एनिलिडा से कॉर्डेटा तक पूरे के पूरे, ठीक है. तो एनसीईआरटी इतनी चीज बताती है, ठीक है, इतनी चीज बताती है. तो ये चार वर्ड्स आपको, ये चार स्टेटमेंट आपको याद रखनी जरूरी है कि इन पॉलीफेरा मेनी सेल्स आर प्रेजेंट, सेल्स तो बहुत सारी हैं, बट दे आर लूजली पैक्ड, वो क्लोजली पैक नहीं है, और जब तक वो क्लोजली पैक नहीं है तब तक वो टिश्यू नहीं बना सकते, ठीक है. नेक्स्ट टिश्यू लेवल, सीलेंट रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, वहां पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है बॉडी, और जो सेल्स हैं, सेल्स आर यूनाइटेड, सेल्स बिकेम यूनाइटेड एंड प्रोड्यूस टिश्यू, ठीक है. फिर ऑर्गन लेवल की बात करते हैं, तो प्लैटी हेलमेंथीस और एस्केलेमेंथीस में ऑर्गन है, ऑर्गन कैसे, दे हैव सकर्स एंड हुक्स, किस चीज के लिए, उनको एब्जॉर्ब करना है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टिव फूड को, या आप कह सकते हैं ब्लड को उन्होंने एब्जॉर्ब करना है, तो दे हैव सकर्स एंड हुक्स फॉर सकिंग ऑफ ब्लड, ठीक है. तो उनके पास ऑर्गन तो है ये, ठीक है, तो वैसे इनके पास कुछ सेंस ऑर्गन ये कम कर देते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि इनके पास ऑर्गन्स नहीं है, दे हैव सम ऑर्गन्स, ठीक है. भले डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि वो डाइजेस्टेड फूड लेते हैं, उनको उस खाने को दोबारा डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है. तो बताया मैंने आपको प्लैटी हेलमेंथीस फ्लैट एंड फ्लैट याद रखिएगा, ठीक है, फ्लैट वॉर्म, एस्केलेमेंथीस राउंड वॉर्म याद रखिएगा. ऑर्गन सिस्टम में एनालिड से, एनालिडा से पूरे कॉर्डेटा तक सबके पास ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, मींस इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, दे हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दे हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है. तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी, सो दे आर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, या किसके अंदर आएंगे वो, कि इसमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है. तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ये चीजें याद रखिएगा. पॉलीफेरा में सिर्फ टिश्यू सेलुलर लेवल, सीलेंट रेटा में टिश्यू, फिर ऑर्गन में प्लैटी हेलमेंथीस और एस्केलेमेंथीस, और ऑर्गन सिस्टम में बाकी बचे हुए सारे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी. नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं डाइजेशन की, ठीक है. तो डाइजेशन में मैं ये भी साथ साथ में बताती रहूंगी कि एनसीईआरटी वाली चीजें क्या है और एनसीईआरटी से बाहर की चीजें क्या है. डाइजेस्टिव सिस्टम का तो आपको पूरा बताने की जरूरत है नहीं, वो आपको पता है. बस हम ये बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप के ये होंगे, तो ये दो क्या होंगे, द फर्स्ट इज इनकम्प्लीट एंड द सेकेंड इज कंप्लीट, ठीक है. तो इनकम्प्लीट डाइजेशन और कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन. तो डाइजेस्टिव सिस्टम आप कर सकते हैं, ये टाइप ऑफ डाइजेशन आप कर सकते हैं. अगर हम इनकम्प्लीट की बात करते हैं, तो ओनली यहां आप बोलेंगे ओनली सिंगल ओपनिंग विच एक्ट एज माउथ एंड एनस, माउथ की और एनस दोनों की जैसा काम करेगी, सिंगल ओपनिंग होती है. सो इन दैट केस एलिमेंट्री कैनाल इज नॉट फॉर्म्ड कंप्लीटली, सो इट इज नोन एज इनकम्प्लीट डाइजेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं शॉर्ट में बना रही हूँ, इस तरीके से अगर मैं हाइड्रा की बात करती हूँ, तो हाइड्रा में हम इस तरीके से बोलते हैं, यहाँ पे हाइपोस्टोम इज प्रेजेंट विच एक्ट एज बोथ एनस एंड माउथ, ठीक है. तो सीलेंट रेटा में अगर हम बात करते हैं, तो सिंगल ओपनिंग एक्ट एज एनस एंड माउथ, सो इट इज नोन एज इनकम्प्लीट डाइजेशन. तो इनकम्प्लीट डाइजेशन किस में चलेगा, एग्जाम्पल में प्लैटी हेलमेंथीस, लेकिन इससे अच्छा ये है कि सीलेंट रेटा
प्लैटी हेलमेंथीस, क्लियर? सीलेंट रेटा, क्या ये प्लैटी हेलमेंथीस बनाया था मैंने? नहीं, ये मैंने सीलेंट रेटा बनाया था, हाइड्रा सीलेंट रेटा के अंदर आता है। सीलेंट रेटा से प्लैटी हेलमेंथीस, यानी सीलेंट रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटी हेलमेंथीस, ठीक है? तो यहां तक इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट डाइजेशन, तो डिफरेंट ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस, ठीक है? माउथ एंड एनस करो या आप लिख सकते हो फॉर इजेशन एंड इंजेशन एंड इजेशन, ठीक है? वो चीज भी कोई गलत नहीं होगी, वो चीज भी बिल्कुल ठीक होगी। तो अब यहां अगर हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट ओपनिंग होती है, तो यानी माउथ और एनस की जो डिफरेंट ओपनिंग होती है, तो इनके अलावा जो बाकी बचे हुए हैं उन सब में ये चीज होगी। लेकिन यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ जिससे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके पास। मैंने आपको बताया था, यहां मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब एग प्लस स्पर्म बनाते हैं जाइगोट, बनता है मोरूला, बनता है गैस्ट्रूला, सॉरी ब्लास्टूला, देन गैस्ट्रूला। और गैस्ट्रूला में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक तो फॉर्मेशन ऑफ क्या, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, और दूसरा मैंने आपको गट बताई थी, यानी एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है? तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ, चाहे तो आप इसको अभी हटा दीजिए, ठीक है? मतलब होता ये सही है, गलत नहीं है वो जो मैंने आपको बताया, थोड़ा स्पेस की वजह से मुझे हटाना पड़ रहा है कि स्पेस थोड़ा कम हो जाता है। तो देखिए यहां हम बात करते हैं कि इसमें दो चीजें मैं लूंगी। देखिए सबसे पहले मैंने आपको इस तरीके से बताया था, ये क्या होता है, इट इज नोन एज आर्चेंट्रॉन, ठीक है? इट इज नोन एज आर्चेंट्रॉन एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज ब्लास्टोपोर। ये क्या है, ब्लास्टुला, याद करिए मैंने आपको ब्लास्टुला बताया था, जब बेबी प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी बॉडी में इस तरीके से ब्लास्टोपोर होता है और यहां आर्चेंट्रॉन होता है। अब धीरे धीरे करके ये क्या करता है, ये इस तरीके से दो ओपनिंग बनाएगा, एक ओपनिंग एनस हो जाएगी और एक ओपनिंग माउथ हो जाएगी, ठीक है? यानी ब्लास्टोपोर का जो एंड है, क्वेश्चन आया था आपके पास, गैस्ट्रुलेशन में कौन सी ऐसी जगह है जो बाद में माउथ में कन्वर्ट होती है, तो वो है ब्लास्टोपोर, ये है गैस्ट्रुला, ठीक है? ये आर्चेंट्रॉन जो गट बनाएगी, एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्मेशन करेगी। तो यहां मैं आपको दो चीजें बताने जा रही हूं। पहला है आपके पास कि प्रोटोस्टोम क्या होते हैं, तो प्रोटोस्टोम में हम क्या करेंगे, प्रोटोस्टोम्स में माउथ डेवलप फर्स्ट देन एनस, समझ रहे हैं? मतलब प्रोटोस्टोम में पहले माउथ बनेगा। अब ऐसे तो आप बोल रहे हैं एक तरफ माउथ बन गया एक तरफ एनस बन गया, ये तो होगा ही ना, क्योंकि डिफरेंट ओपनिंग है। लेकिन डिफरेंट ओपनिंग में भी कौन सी चीज पहले बन रही है, तो ये आपको याद रखना है। अगर माउथ पहले बन रहा है तो प्रोटो वर्ड यूज करना है, क्योंकि माउथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पहले माउथ हो गया तो माउथ से क्या हो गया कि आप याद रखिए प्रोटो मींस पहले, ठीक है? तो प्रोटोस्टोम हम यूज करते हैं, और दूसरा हम यूज करते हैं ड्यूटेरोस्टोम। तो मैं यहां लिख रही हूं ड्यूटेरोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम यानी एनएस डेवलप फर्स्ट देन माउथ, ठीक है? कि पहले एनस डेवलप होगा। तो दो चीजें आपको यहां पर समझ आई कि अब ये चीज एनसीईआरटी नहीं बताती। देखिए एनसीईआरटी ने क्या बताया, एनसीईआरटी ने आपको इतनी चीजें बताई, इतनी चीजें, ठीक है? तो जो बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, तो उन बच्चों के लिए क्या है, जो सिर्फ ट्वेल्थ जो इलेवंथ का करना चाह रहे हैं, तो ये रहा एनसीईआरटी, ऊपर का एनसीईआरटी, बाकी आपका एनसीईआरटी में नहीं है। मैंने इसलिए बताया क्योंकि प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम से बहुत क्वेश्चन बने हैं। एक क्वेश्चन तो ये बना था कि गैस्ट्रुला में कौन सी ऐसी जगह है जो आगे जाके माउथ में कन्वर्ट होगी, तो वो है ब्लास्टोपोर, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि ब्लास्टोपोर है वो। और ये गैस्ट्रुला में ये याद रखिएगा, एक तो थ्री जर्मिनल लेयर्स बनती है और दूसरा गट की फॉर्मेशन होती है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम में एक ही चीज माउथ और एनस के जैसे काम करेगी, कंप्लीट वाले में दोनों अलग अलग होंगी। तो अगर वो दो अलग अलग हैं, तो उनमें से पहले अगर माउथ बना है, एनस बाद में बना, तो उन एनिमल्स को प्रोटोस्टोम कहते हैं, और अगर पहले एनस बन गया फिर माउथ बनेगा, तो ड्यूटेरोस्टोम वाली कंडीशन वो है, ठीक है? तो ये होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद बात करते हैं नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का है, मैंने आपको पहले बताया, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप, ठीक है?
सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में दो बताए, ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप। तो ओपन टाइप में देखिए, यहां हम क्या बोलेंगे, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड इज नॉट ट्रेवल, ब्लड नॉट ट्रेवल इनसाइड वेन्स एंड कैपिलरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर ब्लड नहीं दौड़ेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन टाइप ही होगा। तो सेल्स और टिश्यूज जो होंगे वो ब्लड में बात करते रहेंगे, ठीक है। तो यहां हम बोल सकते हैं सेल्स एंड टिश्यूज बाथड ऑन ब्लड, ये ब्लड में डूबे हुए रहेंगे। तो समझ रहे हैं आप, यानी ये ऐसे एनिमल्स होंगे जिनके पास वेन्स ब्लड नसें जो आप बोल रहे हो, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, तो ब्लड ऐसे ही तैर रहा है। तो ये ज्यादातर क्या करते हैं, होमोलिम्फ ये प्रोड्यूस करते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं कि एग्जांपल में, तो एग्जांपल यहां हो गया ऑर्थ्रोपोडा इंसेक्टा, इंसेक्ट मत मींस इंसेक्टा आते हैं इसके अंदर, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये हो गया। अगर क्लोज टाइप की बात करते हैं तो यहां बोलेंगे ब्लड ट्रेवल विद इन वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर अंदर जाएगा, तो क्लोज टाइप तो हो ही गया क्योंकि वो वेन्स और कैपिलरीज के अंदर जा रहा है। तो यहां हम क्या बात करते हैं, एग्जाम्पल हो गया एनिलिडा, एनिलिड्स, कॉर्डेट्स, जितने भी कॉर्डेटा होते हैं, कॉर्डेट्स मैमल्स वगैरह सब इसके अंदर आते हैं। कॉर्डेट में क्या क्या चीजें आती है, फिशेस, देन रेप्टाइल्स, ठीक है, और एम्फीबियंस हो गए, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके अंदर आएंगे, ह्यूमन भी हो गया मतलब मैमल्स में, तो ये सब इसके अंदर आएंगे। तो सब में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बस इतना आपको रखना है याद कि इंसेक्ट में जैसा आप कॉकरोच को कभी मारते हैं तो आप देखेंगे, कॉकरोच कभी मारा आपके सामने, एकदम से व्हाइट कलर का फ्लूड एकदम बाहर निकलता है उसकी बॉडी से बिल्कुल, ठीक है, तो वो फ्लूड क्या है, क्योंकि वहां पे क्या है, वो ब्लड है उसका, आरबीसीज वहां पे नहीं है, इस वजह से क्या हो रहा है, वो व्हाइट कलर का है, हीमोलिम्फ हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्योंकि वेन्स वगैरह के अंदर नहीं जा रहा है इसलिए एकदम से बाहर निकल जाता है, ठीक है, या स्कॉर्पियन को कभी मारा हो जैसे, ठीक है। फिर मोलस्का में होगा तो मोलस्का में भी इसी तरीके से होता है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट अगर उसके बाद बात करते हैं सिमेट्री की बात करते हैं, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिमेट्री की, बॉडी सिमेट्री, ठीक है, इसमें आपको एग्जांपल याद रखने ज्यादा जरूरी है। देखिए बॉडी सिमेट्री की अगर बात करें तो यहां तीन चीजें मैंने आपको बताई, द फर्स्ट इज ए सिमेट्रिकल, देन सिमेट्रिकल, ठीक है, पहले सिमेट्रिकल के भी दो टाइप है, पहले ए सिमेट्रिकल में देख लेते हैं। ए सिमेट्रिकल में हम ये बोल रहे हैं कि यहां जो बॉडी होगी, यानी कोई भी जैसे पॉलीफेरा है इस तरीके से मान लीजिए, यहां मैं चाहे इस प्लेन से कट करूं दो बराबर हिस्से मुझे नहीं मिलेंगे, इधर से कट करूं दो बराबर हिस्से नहीं मिलेंगे, इधर से कट करूं दो बराबर हिस्से नहीं मिलेंगे, इधर से कट करूं दो बराबर हिस्से मुझे मिल ही नहीं सकते। अगर ऐसा होगा तो उसको हम एसिमेट्रिकल कहेंगे, ठीक है, कि जहां पे हम क्या बोलेंगे कि हमको क्या नहीं मिला, तो और चलिए इसमें विच डज नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स एट एनी प्लेन, एट एनी प्लेन, किसी भी जगह से कट करने पे हमें दो बराबर हिस्से नहीं मिल सकते, उसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल। एग्जांपल पॉलीफेरा, पॉलीफेरा एग्जांपल है एसिमेट्रिकल का, ठीक है। तो आई थिंक इतनी आपको क्लियर हो गई कि किधर से भी कट करने पे दो बराबर हिस्से हमें नहीं मिल सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्री की, सिमेट्रिकल में कि अगर हम दो बराबर हिस्सों में मतलब किसी की भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो यहां दो टाइप से ये होगा, मतलब बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स हम बोल सकते हैं। द फर्स्ट इज बायलेटरल, द सेकंड इज रेडियल, ठीक है। बायलेटरल में हम ये कहेंगे बॉडी डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स, दो इक्वल बराबर टुकड़ों में टूट सकती है बाय वन प्लेन ओनली, सिर्फ एक ही प्लेन से कट करने पे
हमको बॉडी दो बराबर हिस्सों में अगर मिलती है तो उसको हम बोलेंगे बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल बायलेटरल सिमेट्री का क्या हो गया, एनालिडा हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, ठीक है, इवन प्लेटफॉर्म ऑल्सो, मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, चलिए मैं नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, एस्केलेमेंथीस मीन्स मोस्ट ऑफ द एस्केलेमेंथीस, तो वो क्या हो गए, बायलेटरल सिमेट्री ये दिखाते हैं। यानी यहाँ आप क्या कह सकते हैं कि आप सबसे अच्छा आपके लिए याद करने के लिए ये होगा कि आप एस्केलेमेंथीस से कोऑर्डिनेट्स कर दें अगर, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। आई थिंक एनसीईआरटी शायद ये बताती है, और वैसे याद करने के लिए एस्केलेमेंथीस टू कोऑर्डिनेट आप कर सकते हैं, एक्सेप्ट क्या, इकाइनोडर्मेटा में जो लार्वा होता है वो तो बायलेटरल सिमेट्री दिखाता है, लेकिन जो एडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्री दिखाता है, वहां थोड़ा अलग है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा को छोड़ के तो सबसे बेस्ट आपके लिए यही सही रहेगा कि एस्केलेमेंथीस यानी राउंड फॉर्म से पूरा कोऑर्डिनेट तक ही आप याद कर लें कि बायलेटरल सिमेट्री ये दिखाते हैं। तो अगर मैं यही बात करती हूँ कि बायलेटरल सिमेट्री की, तो देखिए मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। आई थिंक एनसीईआरटी आपको स्कॉर्पियन का एग्जांपल बताती है, जो डायग्राम बताती है, तो शायद वो स्कॉर्पियन का डायग्राम बताती है आई थिंक। तो स्कॉर्पियन में भी मैं ऐसे ही बना रही हूँ, इस तरीके से आपने बना दिया जो भी है, इस तरीके से मतलब कैसा भी ये बन रहा है ऐसा जो भी है, और आप दो बराबर हिस्सों में इसको तोड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से दो बराबर प्लेन पे कट कर सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया बायलेटरल सिमेट्री, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूं आपको। देन रेडियल सिमेट्री में हम बात करेंगे, तो बॉडी डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स एट एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से इक्वल हाफ्स एट एनी प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, ये भी हम बोल देते हैं कि प्लेन विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो ये याद रखना आपके सेंटर से पास कर रहा है प्लेन, इधर से आया, इधर से आया, इधर से भी आया, तो पासिंग थ्रू इट्स सेंटर भी, क्योंकि वो तो करेंगे सब में ही होगा, वो पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। क्लियर? तो यानी रेडियल सिमेट्री में, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि रेडियल सिमेट्री ये सिर्फ कौन दिखाते हैं, जैसे टीनोफोरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, तो रुकिए मैं इसको नेक्स्ट दूसरे उससे लिखती हूँ ताकि आपको मन से याद रहे। एग्जाम्पल में ये, चलिए मैं इसको इसका एग्जाम्पल मैं इधर लिख रही हूं, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के बाद क्या आता है, टीनोफोरा, टीनोफोरा, और टीनोफोरा के बाद हम प्लेटीहेलमेंथीस की बात करते हैं, क्योंकि यहां मैंने एस्केलेमेंथीस लिख दिया, यानी प्लेटीहेलमेंथीस भी जो होगा वो भी लगभग लगभग क्या करेगा, बायलेटरल सिमेट्री ही दिखाएगा। तो यानी मैं यहां क्या लिखूं, तो मुझे यहां क्या लिखना चाहिए, इकाइनोडर्मेटा का, सिर्फ एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो मैं यहां इसीलिए एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि बायलेटरल सिमेट्री कौन दिखाता है, लार्वा, इकाइनोडर्मेटा लार्वा कर दीजिए, इकाइनोडर्मेटा लार्वा। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए दोबारा से समझिए, यहां हम बात करते हैं, मैंने ए सिमेट्री की बात की, एग्जांपल ए सिमेट्री का है पॉलीफेरा, यानी जहां आप किसी की भी बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकते, उसको आप क्या कह रहे हैं, एसिमेट्रिकल यानी पॉलीफेरा। देन बायलेटरल सिमेट्री, जहां आप किसी की भी बॉडी को क्या कर रहे हैं, दो बराबर हिस्सों में आप उसको तोड़ सकते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, यहां हम बात करते हैं, तो ये सबसे अच्छा है कि आप या तो एनालिड और ये याद रखें, या आप यहां से याद रखें कि एस्केलेमेंथीस टू कोऑर्डेटा। ठीक है, कि कोऑर्डेटा तक होगा, यानी सिर्फ एक प्लेन से कट करने पे दो बराबर हिस्से अगर हमको मिलते हैं किसी की भी बॉडी के, वो है बायलेटरल सिमेट्री। तो जितने भी इंसेक्ट होते हैं तो वो इंसेक्ट क्या शो करते हैं, ऑर्थोपोडा लिखा है, जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनको आप ठीक एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में अगर कट करें तो आपको दो बराबर हिस्से मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री में क्या हो रहा है, आप
इस प्लेन से कट करें, इस प्लेन से कट करें, इससे कट करें, इससे कट करें, आप किसी से भी कट करें, लेकिन वो प्लेन उसके सेंटर से होके गुजरना चाहिए और वो प्लेन दो बराबर हिस्सों में उसकी बॉडी को तोड़ ही देगा। वो क्या है? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री में मतलब रेडियस से याद रखिएगा, चाहे चाहे जैसे भी याद रखिएगा। तो आप कोई भी जैसे स्टार फिश ही है, आप स्टार फिश को इस तरीके से बना लें, इकानोडर्मेटा में आप ऐसे कट करेंगे दो बराबर हिस्से मिलेंगे, ऐसे कट करेंगे दो बराबर हिस्से, ऐसे में दो बराबर हिस्से, ऐसे में दो बराबर हिस्से। ठीक है, तो किधर से भी कट करने पे आपको जब दो बराबर हिस्से मिल रहे हैं तो यानी आप क्या बोल रहे हैं? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, किधर से भी कट करने पे दो बराबर हिस्से मिलेंगे, लेकिन वो कट कहां से जाना चाहिए? थ्रू सेंटर, सेंटर से होके गुजरना चाहिए। तो इसके क्या हो गए? देखिए आपको कैसे याद रखना है, एक सिंपल सी वो बताती हूं आपको। सबसे पहले आपको ये याद रखना है एसिमेट्रिकल पॉलीफेरा, उसके बाद बायलेटरल मत याद रखिए, उसके बाद आप रेडियल याद रखिए पहले। ठीक है, सिमेट्री में रेडियल पहले याद रखिए। तो रेडियल सिमेट्री की जो कहीं से भी कट करने पे दो बराबर हिस्से मिल सकते हैं। पॉलीफेरा के बाद आपको क्या बताया मैंने? दो फाइलम पॉलीफेरा को प्रियंका बोला था मैंने। फिर चोपड़ा, चोपड़ा में क्या था? सीलेंट्रेटा। ठीक है, चलिए कनाडा। फिर टेन पायलट, यानी टेन से टीनोफोरा। तो यानी पॉलीफेरा तो एसिमेट्रिकल है, उसके बाद वाले जो है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा वो है रेडियल सिमेट्री वाले। इकानोडर्मेटा को अभी आप बिल्कुल साइड में रख लो, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग है, कभी कैसा कभी कैसा। ठीक है, उसको आपने साइड में रख लिया, बाकी जितने भी बचे वो सारे के सारे बायलेटरल सिमेट्री। सिंपल, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इकानोडर्मेटा का ये याद रखना कि एडल्ट इकानोडर्मेटा शोज रेडियल सिमेट्री एंड लार्वल इकानोडर्मेटा शोज बायलेटरल सिमेट्री। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिमेट्री हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी या डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां हम जिनके पास सिर्फ दो जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती हैं, यानी एक्टोडर्म और सबसे अंदर एंडोडर्म, वो डिप्लोब्लास्टिक हैं। जिनकी बॉडी में एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होती हैं, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ठीक है, सिंपल सा तो ये हो गया। तो इसमें आप करते हैं, इसमें देखिए सबसे पहले यहां हम बात करेंगे जो मैं आपको बताना चाह रही थी। सबसे पहले एग और स्पर्म ने क्या किया? जायगोट, देन शॉर्ट में करी मोरूला, देन ब्लास्टुला, देन अब गैस्ट्रुला की हमने बात की। तो यहां तो हमको ये बात करनी पड़ेगी, गैस्ट्रुला में दो चीजें मैंने आपको बताई। यहां जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फॉर्मेशन ऑफ गट, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल बनेगी। सेकंड हो गया फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर, थ्री या टू जर्मिनल लेयर, विच इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोनिक लेयर। ठीक है, वो थ्री जर्मिनल लेयर क्या होगा? आउटर एम्ब्रियोनिक लेयर भी आप कर सकते हैं, आउटर एम्ब्रियोनिक। अगर आउटर एम्ब्रियोनिक करके आता तो ये मैं सोचिएगा कि एम्ब्रियोनिक, मैम ने तो बताया नहीं था एम्ब्रियोनिक कौन सा है। आउटर एम्ब्रियोनिक नोन एज एक्टोडर्म, देन मिडिल एंडो, सॉरी मीजोडर्म, एंड दी इनर वन इज एंडोडर्म। ठीक है, इतना तो क्लियर है कि स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी जल्दी लीजिए, मैं ऊपर फिर इरेज कर लूं। मैं आपको एक चीज इसमें बताना चाह रही थी कि एक्टोडर्म से कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हमारी बॉडी में होती हैं जो बनती हैं, मीजोडर्म से कौन सी होती है, एंडोडर्म से कौन सी होती है। ठीक है, तो देखिए ये हमें समझ आया कि अब जो बेबी बन रहा है उसमें जायगोट से मोरूला बना, ब्लास्टुला बना, इम्प्लांटेशन हुआ, मदर के यूट्रस में अटैच हो गया, देन गैस्ट्रुला बना। तो गैस्ट्रुला में उसका खाने का माउथ से एनस तक बनेगा, प्रोटियोस्ट्रोम या ड्यूट्रोस्ट्रोम के थ्रू, या तो माउथ पहले या एनस पहले, इस तरीके से अभी हमने किया इसको। गट बनेगी, तीन जर्मिनल लेयर बनेगी क्योंकि उसकी बॉडी बननी शुरू हो गई है, आउटर फिर मिडिल और इनर। किसी किसी में मिडिल होती ही नहीं है, मीजोडर्म होती ही नहीं है। तो अगर मीजोडर्म नहीं है देन दे आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक, इफ दे हैव मीजोडर्म आल्सो देन दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो इसमें पहले हम बात करते हैं, यहां आप ध्यान दीजिए, इसमें मैं पहले आपको ये बताऊं कि एक्टोडर्मल ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, एक्टोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, एक्टोडर्मल ओरिजिन से कौन कौन सी चीजें हैं जो एक्टोडर्मली हमारी बॉडी में बनी हुई है? तो आउटर कवरिंग यानी स्किन एंड
नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम हो गया। देन मीजोडर्मल इन ओरिजन की बात करते हैं, मीजोडर्मल ओरिजन इन ओरिजन, ठीक है, मीजोडर्मली कौन होंगे, तो मसल्स, दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम, मैं सिर्फ सर्कुलेटरी लिख रही हूँ, ठीक है, बाकी आपको पता ही है, स्केलेटल सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये हो गए जो मीजोडर्मली ओरिजिनेट है। और एंडोडर्मली अगर बात करते हैं तो एंडोडर्मली में हम डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम सिस्टम की मैं बात बता रही हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, और ठीक है इस तरीके से सिस्टम। तो ये कैसे हैं, ये मतलब मैंने आपको किस उससे ये ओरिजिनेट हो रखे हैं, एक्टोडर्म से कौन कौन सी चीजें, एंडोडर्म से कौन कौन सी चीजें, और मीजोडर्म से कौन कौन सी चीजें ओरिजिनेट हो रखी हैं, ये चीजें मैंने आपको बता दी। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक में कौन कौन सी चीजें होंगी, स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी लीजिए। अब देखिए डिप्लोप्लास्टिक में बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं ओनली एक्टो प्लस एंडोडर्म इज प्रेजेंट, ठीक है, और हैविंग अनडिफरेंशिएटेड मीजोगिलिया, अनडिफरेंशिएटेड मीजोडर्म इन द फॉर्म ऑफ मीजोगिलिया, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि ये कुछ भी ना हो, मीजोगिलिया के फॉर्म में होगा, मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मीजोगिलिया। कैसे, यहां समझिए, ये सबसे अंदर का पार्ट हो गया एक्टोडर्म, एंडोडर्म, देन ये है एक ऐसा स्पेस है, और बाहर हो गया एक्टोडर्म, एक्टो ये हो गया मीजोगिलिया, नॉट मीजोडर्म, याद रखिएगा, नॉट ट्रू मीजोडर्म, एंड देन एंडो, ठीक है। अब मैं ट्रिप्लोब्लास्टिक का यही पे बता रही हूं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में हैविंग बोथ द थ्री लेयर्स, यानी मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, देखिए ये हो गया एंडोडर्म, देन ये हो गई इस तरीके से मीजोगिलिया, मीजोडर्म, एंड देन एक्टोडर्म, यानी एक्टो फुली फॉर्म्ड मीजोडर्म एंड देन एंडोडर्म, ठीक है। तो इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, जिनके पास तीनों की तीनों चीजें पाई जाती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक में अगर बात करें तो यहां हो गया प्लैटी हेलमेंथीस से कॉर्डेट्स तक आते हैं, प्लैटी हेलमेंथ्स टू कॉर्डेट्स, प्लैटी हेलमेंथ से कॉर्डेट्स तक आते हैं। और अगर हम डिप्लोप्लास्टिक की बात करते हैं तो लोअर एनिमल्स में जैसे क्या हो गए, सील एंड ट्रेटा, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, उसके बाद आपका है सीलोम, फिर सिफिलाइजेशन है जो एम्स और सिपमर्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेवरेट टॉपिक है। तो आज के लिए लेकिन इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।